सतीश मिश्रा जी, सतीश जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत तरह के सवाल हैं जी। आपका अपना जो एक एक्सपीरियंस है, कांग्रेस किस दिशा में, राहुल गांधी किस दिशा में, और ये जो घड़ी आई है, दूसरा आम आदमी पार्टी अगर सॉफ्ट हो रही है, नरमी दिखा रही है, देखिए तो इसे एक पॉलिटिकल चेंज की तरफ या पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें दो मुद्दे स्पष्ट हैं। एक तो मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की जो याचना थी गुजरात हाईकोर्ट में, उसको गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, कहा कि आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। अब राहुल गांधी के सामने विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां दरवाजे खटखटाएं और न्याय की मांग करें। अच्छा, अब दूसरा ये है कि आपने जो एक बयान आज दिया है और इसकी निंदा की है, तो देखिए इसमें आपने जोड़ा कि अध्यादेश के मुद्दे पर क्या कांग्रेस नरम पड़ेगी, ये सवाल आपका है इसमें। देखिए अध्यादेश के मामले में जो भी लिखा जा रहा हो, जो भी कहा जा रहा हो, जो भी बोला जा रहा हो, पटना में जो मीटिंग हुई थी वहां से जो खबरें बाहर आईं, और उसके अलावा भी जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं, कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि वो अध्यादेश के खिलाफ नहीं है। ये नहीं कहा है कि अध्यादेश का वो समर्थन करते हैं। हाँ। अब ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी, आप पार्टी क्या चाहती है कि संसद में विपक्षी पार्टियां उस अध्यादेश का विरोध करें। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया वहां पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि देखिए हम जब संसद का अधिवेशन आएगा हम उस वक्त चर्चा करेंगे, और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं पिछले 5 दशकों से राजनीतिक मुद्दों पर लिखता आ रहा हूं, बात करता आ रहा हूं, चर्चा करता आ रहा हूं, मुझे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो एक छवि है उसके चलते वो अध्यादेश के साथ खड़े हुए नहीं दिखना चाहेंगे। देखिए एक reason? बड़ा मुद्दा है। रीजन साफ है कि अध्यादेश एक ऐसा अध्यादेश है जो कि संवैधानिक नहीं है, किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का प्रयास है। ये कोई भी सरकार जुडिशियल मुद्दों पर इस प्रकार के अध्यादेश लाकर उसको पलट नहीं सकती है। हमारे यहां जो बैलेंस ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके चलते ये गलत है। पर शाहबानो केस में हुआ था कुछ ऐसा? जी, शाहबानो केस में कुछ हुआ था। शाहबानो केस उसका नुकसान उठाना पड़ा था फिर? नहीं, नुकसान देखिए शाहबानो केस में उसको पलटा नहीं, उसका विरोध किया। विरोध किया। हमको ये देखना पड़ेगा कि शाहबानो केस का जो जजमेंट है वो तो आज भी वैलिड है, इनवैलिड तो नहीं हुआ वो। देखिए कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये समझती है शायद कि वो किसी भी, उनका जो उनकी सोच है वो अंतिम सोच है, वो गलत नहीं हो सकती। और मेरा स्पष्ट मत है कि अध्यादेश गैर कानूनी है, और जैसे केजरीवाल जी आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पर जहां तक मेरा कानूनी समझ है उसमें अध्यादेश स्टैंड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अब अध्यादेश की बात आई, बहुत शॉर्ट में सर ब्रेक लेना, मुझे जल्दी से सेंटेंस संसद में पारित करने की, तो मुझे लगता है कि जब मानसून सेशन आएगा तब कांग्रेस उस मुद्दे पर अपना स्पष्ट मत लेकर ठीक है अध्यादेश का विरोध करेगी। ठीक है।